समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बीच अब अखिलेश मंत्रिमंडल का 8वां विस्तार होने जा रहा है। सोमवार को अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इस मंत्रिमंडल विस्तार में निकाले गए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की वापसी तय है। 12 सितंबर को खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह को सीएम अखिलेश यादव ने बर्खास्त कर दिया था। तनातनी के बावजूद खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पार्टी में अपनी वापसी तय कर ली। सीएम अखिलेश यादव ने भी उन्हें वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि राजकिशोर सिंह की बात अभी तक नहीं बन पाई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में जियाउद्दीन रिजवी भी नए मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बलिया के सिकंदरपुर से दो बार विधायक रह चुके जियाउद्दीन रिजवी को जब मंत्री पद की शपथ लेनी थी तब वो हज यात्रा पर थे। मंत्रिमंडल में खाली पड़े एक स्थान के लिए शिवकांत ओझा, राजकिशोर सिंह और मनोज पांडे में जोर आजमाइश शुरू हो गई है। 26 सितंबर को अखिलेश अपने मंत्रिमंडल का 8वां और शायद आखिरी विस्तार करने वाले हैं। ऐसे में यहां अखिलेश की पूरी कोशिश रहेगी कि वो मंत्रिमंडल में रूठे हुए नेताओं को मना सकें और उन लोगों को जगह दें जिनकी छवि साफ सुथरी हो। देखते रहिए डीबी लाइव।